आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में आजसू के जिला मीडिया प्रभारी संतोष महतो की गिरफ्तारी के विरोध में आजसू ने मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर शनिवार को आजसू द्वारा चितरपुर स्थित पार्टी के प्रधान कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद चितरपुर उत्तरी जिला पार्षद गोपाल चौधरी, दक्षिणी जिला पार्षद पवन शर्मा, आजसू के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अमृत लाल मुंडा, केंद्रीय सचिव इंतेखाब आलम व प्रखंड अध्यक्ष दिवाकर नायक ने संतोष महतो की गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हुए एक स्वर में कहा कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव और षड्यंत्र का नतीजा है। संतोष महतो आजसू पार्टी के एक कर्मठ और जुझारू सिपाही है। बदले की भावना से ग्रसित होकर आजसू पार्टी के कार्यकर्ता को एक षड्यंत्र के तहत राजनीतिक दबाव में आकर जेल भेजा गया, जबकि विधानसभा चुनाव के बाद द्वेष और ओछी राजनीति से प्रेरित होकर गिरिडीह के सांसद व राज्य के पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी पर धार्मिक भावनाओं पर आघात करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया में वायरल किया गया था, जिसका विरोध करते हुए आजसू पार्टी ने चिन्हित लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिले भर के थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। बावजूद इसके अब तक उस मामले पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही दोषियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आजसू के जिला मीडिया प्रभारी संतोष महतो को आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में अपराधी की तरह हथकड़ी लगाकर जेल भेजा गया। इसके लेकर आजसू नेताओं ने सरकार और प्रशासन से अविलंब संतोष महतो को रिहा करने की मांग की थी, अन्यथा लॉकडाउन के बाद सड़क से लेकर सदन तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी दी। इधर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दुलमी प्रखंड के पार्टी कार्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। वहीं रामगढ़ जिला के प्रधान कार्यालय रामगढ़ में भी मनोज महतो के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। सिटी न्यूज के लिए संजय नायक की रिपोर्ट। मीडिया प्रभारी संतोष कुमार महतो और संतोष आर्य के साथ ये टिका टिकी कार्यक्रम एक तरह का दोषारोपण करके इस तरह का उन पर आरोप लगाकर एक पार्टी के रूप को बदनाम करने के लिए इन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। इसको कड़ी शब्दों में आजसू पार्टी निंदा करती है। इसके पूर्व भी माननीय गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कभी इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था, किंतु उस पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और अगर यदि इस पर अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई और इसकी जो भी आदमी इस पर समय के अनुकूल इस पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आजसू पार्टी लॉकडाउन के बाद इसमें आंदोलन का रूप लेगी और आंदोलन करने के लिए बाध्य रहे। हमारे आजसू पार्टी के मीडिया प्रभारी संतोष कुमार महतो और सतीश आर्यन जी को जो राज्य सरकार और रामगढ़ जिला प्रशासन के माध्यम से आजसू पार्टी के कार्यकर्ता होने के चलते आज उसको तंग करके जेल में डाला जा रहा है, उन्हीं का हम लोग घोर निंदा करते हैं और खास करके राज्य सरकार और जिला प्रशासन को हम लोग कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के जैसे सभी लोग आज उसके चलते हम लोग पूरे सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार इतना दबाव दे रहा है जिला प्रशासन को कि आजसू कार्यकर्ता को जेल में जाओ। और देखे होंगे कि चुनाव के बाद में हम लोगों के रामगढ़ के विकास पुरुष आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भी यहाँ पर कुछ उनके कार्यकर्ता द्वारा गलत पोस्ट किया गया था। हमारे आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ थाना गोला थाना में भी FIR दर्ज कराने का काम किए, लेकिन जिला प्रशासन कहीं उनको पकड़ने का काम नहीं किया। आज यहाँ पर क्या बात है कि कुछ पोस्ट होता है तो हमारे आजसू कार्यकर्ताओं को रात दिन उनको आके यहाँ पर पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और लॉकडाउन खत्म होने के बाद में हम लोग आजसू पार्टी चुप बैठने वाले नहीं है, पूरा जिला में उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। मामला देखिए, आजसू के कार्यकर्ताओं को रामगढ़ जिला में टारगेट किया जा रहा है, अच्छी राजनीति के चलते चुनाव बीतने के बाद
हम लोगों के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके जेल भेजा जा रहा है, ये ओछी राजनीति है। ठीक है, अगर गलत है तो इसका जांच कराया जाए। हम लोगों के आजसू के मीडिया प्रभारी सतीश कुमार और संतोष महतो, ये दोनों को जेल भेजा गया। अभी हाल में कल संतोष महतो को जेल भेजा गया और उससे पहले सतीश जी को भेजा गया था। और हम प्रशासन से मांग करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसी वो किसी के बहकावे में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं उन लोगों ने कमेंट किया था। और मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से कि ओछी राजनीति करने वाले को हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और साथ ही साथ हम प्रशासन को कहना चाहते हैं और सरकार को भी कहना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से 2-3 महीने 4 महीने के अंदर में ऐसा काम कर रहा है कि सरकार को भुगतना पड़ेगा। और चुनाव हम लोग के माननीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी हारने के बाद माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी जो गिरिडीह के सांसद हैं, उसको महिषासुर का फोटो बना के और ममता देवी का दुर्गा का फोटो बना करके कांग्रेसी नेताओं ने फोटो वायरल किया। और हम लोगों ने रामगढ़ थाना, रजरप्पा थाना, गोला थाना में लिखित आवेदन दिया, जिसमें FIR भी हुआ। आज तक 4-5 महीना बीतने के बाद भी उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन ये लोगों ने केवल थोड़ा सा कमेंट किया है, उसमें इन लोगों को जेल भेजा गया। तो कहीं न कहीं ओछी राजनीति किया जा रहा है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हम लोग को अगर ये दोनों व्यक्ति जो सतीश जी हैं और संतोष महतो जी हैं, इन लोगों को अगर रिहा नहीं कराया जाता है, बहुत जल्द प्रशासन नहीं करता है, तो हम लोग आने वाले समय में हम लोग जोरदार तरीके से सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। और अगर समय आया वैसा तो हम लोग रामगढ़ जिला को भी बंद करने का काम करेंगे और रोड में उतर करके, यहाँ हम लोगों का जो संगठन है कोई नहीं है। हम लोग हारे हैं जरूर, लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम लोग एकदम एक हैं और एकता का परिचय दिखाने का काम करेंगे लॉकडाउन के बाद, जो पूरा प्रशासन देखेगी। धन्यवाद।